काइंडली रिप्लाई करें क्या सबको मेरी आवाज आ रही है। अच्छा ये क्वेश्चन देखेंगे जरा हम जल्दी से, आप लोग भी क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करने थे। अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा, लेकिन अभी आपने क्वेश्चन देखने हैं। तो 3.8 था, 3.9 था, 3.7 था, 3.9 आई थिंक हम कल सॉल्व कर रहे थे, 3.9 का भी हम देखेंगे, फिर 3.8 पे आऊंगा, फिर 3.7 में भी इश्यू तो वो भी देख लेंगे हम। क्वेश्चन बैंक से हमारे पास ये ओवरहेड्स के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन हैं। तो 3.9 क्वेश्चन का ए पार्ट जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो रेट हमने निकाल लिया था तीनों का। बी पार्ट ऑनवर्ड हमने स्टार्ट करना था ना, तो बी पार्ट ऑनवर्ड हम स्टार्ट क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक बस ठीक है यही। हाँ जी, तो अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर की है, अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर की, बेटा देखें सबको क्वेश्चन नजर आ रहा है। 3.9 क्वेश्चन आपके सामने है, बी पार्ट ऑनवर्ड हम चलेंगे, जरा बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है, ए पार्ट में कोई इश्यू तो बजट ओवर एप्लीकेशन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने सबका फाइंड कर लिया। ए पार्ट सबको क्लियर है, सिंपल हमने कल बात की थी कि डिपार्टमेंट ए में मशीन आवर्स हैं, डिपार्टमेंट बी में लेबर आवर्स हैं, डिपार्टमेंट सी में परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट है। तो हमने सिंपल मशीन आवर्स से डिवाइड किया था, डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स 5 मिलियन के थे, डिपार्टमेंट बी को हमने लेबर आवर्स से डिवाइड किया था हमने, और डिपार्टमेंट सी को हमने परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट गिवन था हमारे पास। तो सिंपल हमने ओएआर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने निकाल लिया था। तो ये रेट हमने देख लिया था, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट रेट हमने देख लिया था यहाँ पे। हाँ जी, अच्छा देखते हैं अभी हम इसके अंदर इस रिक्वायरमेंट बेटा देखने ना, यहां पे टोटल एंड डिपार्टमेंटल एक्चुअल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। अभी हमें टोटल और एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करनी है फॉर ईच डिपार्टमेंट। तो वेरी सिंपल बेटा, हमने एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करनी है, तो ठीक है एक्चुअल में तो मसला ही नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में तो सारी एक्चुअल गिवन है हमारे पास, तो क्या करेंगे। तो मैं एक आइडिया दे देता हूं आपको। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर आवाज नहीं आ रही, आवाज आनी चाहिए बेटा, सबको आवाज आ रही है। तो बैस बेटा, आपको आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है बेटा, क्या सब लोग मुझे सुन सकते हैं जी। स्क्रीन भी मैंने शेयर कर दी बेटा सबके साथ, स्क्रीन नजर आ रही है सबको, क्या सबको स्क्रीन नजर आ रही है। हाँ जी, स्क्रीन भी नजर आ रही बेटा, आवाज भी आ रही है। एक बच्चा कह रहा है स्क्रीन नजर नहीं आ रही, बाकी सबको नजर आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, सबके साथ ही शेयर किया है। सबको स्क्रीन नजर आ रही, काइंडली रिप्लाई करें कितने लोगों को स्क्रीन नजर आ रही, जल्दी जल्दी जरा, टाइम नहीं वेस्ट हो। क्या स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। हाँ जी, बाकी सब लोगों को नजर आ रही है, किसी एक बच्चे को शायद नजर नहीं आ रही। तो बेटा आपके सिस्टम में होगा इशू, ये तो एक सॉफ्टवेयर है, सबके साथ ही शेयर करता है अगर करता तो। अच्छा जी, सवाल पे आते हैं, हमने क्या करना था, हमने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला था तीनों डिपार्टमेंट्स का। बी रिक्वायरमेंट अब क्या थी मेरे पास, बी रिक्वायरमेंट अब ये है हमारे पास कि टोटल एंड डिपार्टमेंटल एक्चुअल कॉस्ट फॉर ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट निकालना है हमें, टोटल एंड डिपार्टमेंटल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट, हमें यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो यार एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर द थ्री डिपार्टमेंट्स आपको दिए हुए बेटा, कितने दिए हुए एक्चुअल ओवरहेड्स तीनों डिपार्टमेंट्स के आपको गिवन है। एक्चुअल ओवरहेड के द एक्चुअल ओवरहेड्स मेंशन सवाल में, द एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर डिपार्टमेंट ए बी सी आर, डिपार्टमेंट ए के ये हैं, बी के ये हैं, सी के ये हैं, ये तीनों डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड हम पुट कर देंगे। और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट भी गिवन है यार, मटेरियल कॉस्ट कितनी है जनाब तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर,
तो ये मटेरियल कॉस्ट दी हुई यार, ये डिपार्टमेंट ए की मटेरियल कॉस्ट एक्चुअल, बी सी तीनों की मटेरियल कॉस्ट भी गिवन है। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट नहीं गिवन लेकिन एक्चुअल आवर्स गिवन है लेबर के बेटा। ये आवर्स है, इन आवर्स को क्या करेंगे, रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। रेट पर आवर कितना है, 120 है बेटा, हम इसको रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट हमारे पास गिवन है, तो मटेरियल कॉस्ट एज इट इज जैसे गिवन है एज इट इज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। लेबर कॉस्ट, लेबर के आवर्स, तीनों के आवर्स गिवन है, रेट पर आवर मल्टीप्लाई करें, लेबर की कॉस्ट निकाले तीनों डिपार्टमेंट्स की तरह। लेबर के आवर्स गिवन है, रेट पर आवर भी गिवन है, तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करें और निकालें जरा यहाँ पे क्या वैल्यू आती, डिपार्टमेंट ए की क्या आती जरा, डिपार्टमेंट बी की, सी की, तीनों डिपार्टमेंट्स की बेटा जल्दी रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करके। अरे फर ये फर ये मैं भी सॉल्व करता हूँ बेटा, आप सब लोग ट्राई तो करें ना, मैं तो सॉल्व कर दूंगा आपको, अभी सब लोग ट्राई करें, आई विल सॉल्व, अभी मैं सॉल्व करने लगा हूं बोर्ड पे, सब लोग ट्राई करेंगे जरा। मटेरियल कॉस्ट कितनी है हमारे पास, मटेरियल कॉस्ट चले 80 मिलियन या मिलियंस में, मैं सवाल मिलियंस में सॉल्व कर देता हूं, तो मैं क्या करता हूं सवाल को मिलियंस में सॉल्व कर देता हूं जनाब, ले जी सॉल्व कर देते हैं इसको हम जनाब यहां पे, एक मिनट यार, ले जी ये हमारे पास आगे देखेगा यहाँ पे, मैं भी सॉल्व करता हूँ जरा गौर से सब लोग देखेंगे। मेरे पास तीन डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ए है बेटा, इस डिपार्टमेंट बी एंड इस डिपार्टमेंट सी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मटेरियल कॉस्ट, सवाल में देखें जरा मटेरियल कॉस्ट एक्चुअली कितनी गिवन थी आपको, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट आपको 80 मिलियन बेटा, ये देख लें, ये आपको एक्चुअल 80 मिलियन, ये मेरे पास अगर मैं यहां से यूं शेयर कर दूं, चलो ये एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 80 मिलियन है, बी की 150 है, सी की 120 है, 80 150 120 तो ये गिवन है बेटा, तो ठीक है मैं इसको यहां पे पुट कर देता हूं, 80 यहां से कर देता हूं 80 मिलियन, ये 80 मिलियन आ गया बेटा, ये 80 मिलियन है, 150 मिलियन और 120 मिलियन, ठीक हो गया बेटा, ये आ गया। इसके बाद लेबर की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, लेबर वेरी सिंपल बेटा, लेबर के आवर्स गिवन है भाई यहाँ पे, बिल्कुल गिवन है, कितने कितने आवर्स गिवन है सवाल में एकदम से देख लेते हैं, चलें सवाल में एकदम से देख लेते हैं बेटा, सवाल में कितने आवर्स गिवन है, हाँ कितने कितने आवर्स गिवन देखिए जरा, लेबर के आवर्स, लेबर के बी में कितने आवर्स, ए में कितने आवर्स, 220 आवर्स, टू हमारे पास, ये हमारे पास 220 यानी 0.22 मिलियन कर लेता हूँ, 530,000 फिर 240,000 आवर्स हैं, ये तीनों के आवर्स हैं, आवर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, चले जी मल्टीप्लाई करवा देते हैं आवर्स को, तो हमारे पास ये 220,000 हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप 120 के साथ, दूसरे वाले कितने थाउजेंड थे, 530,000 थे, उसको भी 120 से मल्टीप्लाई करना, लेबर का रेट पर आवर 120 सवाल में क्यों है, सी के भी आवर्स कितने हैं हमारे पास 240 हैं, तो उसको भी लेबर के 120 आवर्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो करें मल्टीप्लाई, अगर मिलियंस में निकालें तो क्या निकलता है, ए का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 26.4 मिलियन आएगा, 26.4 मिलियन, 26 अभी करें यूज अ कैलकुलेटर, 26.4 26.4 मिलियन एग्जैक्टली, देन 63.6, देन इसको मल्टीप्लाई करें बेटा क्या आता है, 28.8, ये बात समझ आती है, ये मिलियंस मैंने निकाली, थाउजेंड्स को उड़ाया मैंने। अब इसी तरह एक्चुअल ओवरहेड सवाल में देखते हैं, एक्चुअल ओवरहेड कितना दिया हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेटा, ये एक्चुअल ओवरहेड दिए हैं आपको यहाँ, ये एक्चुअल ओवरहेड दिए हैं आपको यहाँ, ये द एक्चुअल ओवरहेड्स फॉर ए बी सी आर, एक्चुअल ओवरहेड्स ए के ये हैं, बी के ये हैं, सी के ये हैं,
सिंपल मिलियंस भी दिए हैं, इसको यहाँ पुट कर दूंगा बेटा मैं यहाँ पे, कोई मसला ही नहीं इसके लिए, तो मसला होना ही नहीं चाहिए इसके लिए। ये सिंपल ओवरहेड्स को मैंने क्या किया यहाँ पे पुट कर देना मैंने यहाँ पे अभी। अच्छा जो सिंपल ओवरहेड्स को मैंने यहाँ पे पुट कर देना है, तो कितने कितने ओवरहेड्स है, 5.35 मिलियन लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, 5.35 मिलियन। अच्छा मटेरियल की कॉस्ट उड़ गई यार, वो मैंने उड़ाया ना वहां से, चलो कोई मैं फिर लिख देता हूँ। चले मटेरियल की कॉस्ट क्या थी, मटेरियल की कॉस्ट 80 मिलियन थी। मैं पेन जरा दो तरह के यूज कर रहा हूँ इसमें, एक मैं वो पीडीएफ की फाइल यूज कर रहा हूँ और एक मैं वहां से व्हाइट बोर्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड यूज कर रहा हूँ, इसलिए मसला आ रहा है। ओवरहेड हमारे पास कितने कितने हम अभी हमने देखे थे, तो 5.35 बेटा 5.35, देन 8.9 मिलियन, देन 7.45। ले जी इनको सबको ऐड कर लें, आपके पास आंसर आ गया, ये और ये, यानी इस फिगर को और इस फिगर को और इस फिगर को आपने ऐड करना है, यानी ये फिगर बी की, ये फिगर बी की और ये फिगर, इस तरह आपने तीनों को ऐड करना है, मटेरियल लेबर और ओवरहेड, सिंपल। इन सबको ऐड करते हैं, पहले क्या ऐड करेंगे क्या बनेगा मेरे पास, अगर आप ऐड करते हैं तो करें इधर ऐड, वहां अभी एक बच्चे ने फाइंड, यस, और वहां यहां भी ये सही है, 111.75, दिस 111.75 बेटा। दूसरे को ऐड करें बी को, 222.5 बिल्कुल एग्जैक्टली। तीसरे को ऐड करें 156.25। हाँ जी बेटा ये बात आपको समझ आई है कि नहीं आई ये बताएं मुझे जरा। मटेरियल की कॉस्ट सिंपल एक्चुअल कॉस्ट गिवन थी, ओवरहेड की कॉस्ट सिंपल एक्चुअल कॉस्ट गिवन थी, दोनों गिवन थी, लेबर के आवर्स गिवन थे, एक्चुअल आवर्स गिवन थे, रेट पर आवर मल्टीप्लाई कराया हमने, पुट किया मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, तीनों को ऐड किया, दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट। किसी बच्चों को समझ ना आई सवाल कर ले जरा। हाँ जी सबको ये बात समझ आ गई बेटा, इज इट क्लियर, जल्दी जल्दी जरा मुझे बताएं। हाँ सुबान बेटा आपको समझ आई बात, डन ठीक हो गया, अब टाइम ही नहीं हमने वेस्ट करना है, सवाल पे जाता हूं मैं वापिस, सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी इसकी, इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट भी थी, हाँ जी क्या थी, द अंडर ओवर एप्लीकेशन ऑब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन रेट निकालना यार, नहीं जी अंडर ओवर ऑब्जॉर्प्शन रेट निकालें, ओ यार तो कल हमने निकाला था ना हमारे पास, ओ यार डिपार्टमेंट ए का बी का सी का हमने रेट निकाला था, कितना कितना ओ यार रेट आया था हमारे पास, अगर कल से आप रिवाइज कर लेंगे, अभी मैं दोबारा आपको अभी बना देता हूँ यहाँ पर रेट, क्या रेट है हमने क्या बनाया था डिपार्टमेंट ए का, मशीन आवर्स जो रेट पार्ट ए में निकल था उसे बेस से मल्टीप्लाई कर दें, डिफरेंस डन डन ऐसे ही बेटा बिल्कुल। अभी लेते हैं हमने रेट क्या निकाला था, रेट बना लें फिर से बना लेते हैं रेट, हम जी रेट डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट ए का हमने क्या बनाया था, इसमें बेस क्या थी मेरे पास, वो कहता था यहाँ पे द बजट, अगर मैं यहाँ पे चलो मैं यूज करता हूँ, कहता है हमारे पास मेंशन द ओवरहेड फॉर डिपार्टमेंट ए इज 5 मिलियन, ठीक है तो ये डिपार्टमेंट ए है मेरे पास 5 मिलियन यहाँ लिख देता हूँ मैं, चले ये 5 मिलियन था, एंड फॉर डिपार्टमेंट ए के मशीन आवर्स, मशीन आवर्स डिपार्टमेंट में कितने हैं 4, ये मेरे पास मशीन आवर्स है, तो मैं इसको मिलियन लिखने के लिए 0.4 मिलियन लिख देता हूँ, चलो यूं, तो क्या रेट निकला यहाँ पे डिपार्टमेंट ए रेट क्या निकला था 12.5 यार, क्या है यार 12.5 है बेटा, ये क्या है 12.5 दिस इज। अब इसे डिपार्टमेंट बी में जल्दी जरा, कहता 5% ऑफ द डिपार्टमेंट बी में से कहता 15% ऑफ द लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कितनी है, लेबर की कॉस्ट निकाली अभी भी हमने निकाली थी, फिर से निकाल लें, चले लेबर की कॉस्ट 120 को 500,000 से मल्टीप्लाई कर लें, ये लेबर के आवर्स है, इसको मल्टीप्लाई करें 120 के साथ, क्या आता है ये 500 को मल्टीप्लाई किया 120 के साथ, तो आई थिंक ये 6 मिलियन आ जाएगा, 6 मिलियन का 15% लिया तो 60 मिलियन आएगा, 60 मिलियन का 15% लिया तो 9 बिलियन आ जाएगा, ठीक हो गया, तो 9 मिलियन यहाँ पे इसको डिवाइड करना लेबर के आवर्स, कितने आवर्स है लेबर के
तो लेवल के हमारे पास आवर्स कितने हैं यहाँ पे 0.5 मिलियन होना चाहिए, दिस इज ये इसी से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 0.5 मिलियन से इसको डिवाइड करें तो इसका रेट निकलाएगा। क्या रेट निकाला था हमने, हमने रेट निकाला था इसका आई थिंक 60 ऐसे बेटा जी, क्या रेट निकाला था इसका हमने, 9 मिलियन डिवाइड बाय 0.18 आई थिंक निकले, यस 18 रेट आ रहा है ये, ले जी ये डिपार्टमेंट ए का रेट क्या निकला है हमारे पास 12.5, ये डिपार्टमेंट ए का रेट है। डिपार्टमेंट बी का रेट क्या निकला है हमारे पास, डिपार्टमेंट बी का ये रेट निकला है हमारे पास 18, 9 मिलियन डिवाइड बाय 0.5 मिलियन, तो हमारे पास ये रेट निकलता है 18 मिलियन। यहां तक कोई इशू? और डिपार्टमेंट सी का रेट क्या, डिपार्टमेंट सी का रेट तो गिवन था, डिपार्टमेंट सी 5% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, तो लिख देते यहां पे हम 5% ऑफ द प्राइम कॉस्ट, तो ये इसका रेट क्या है 5% है। तो डिपार्टमेंट ए उसका रेट क्या निकला आपके सामने में निकाला हुआ है 12.5, डिपार्टमेंट बी 18, डिपार्टमेंट सी 5%। इसमें कोई मसला यार इस रेट में, इसी रेट को मैंने आगे चला रहा है, इसमें कोई इश्यू जनाब? ये रेट क्लियर सबको? अच्छा ये रेट क्लियर है। अब इस रेट को हम चलाएंगे आगे, अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्चुअल ओवरहेड्स, हमें अंडर ओवर अब्सॉर्ब निकालना है। इस रेट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये रेट क्या ओआर रेट, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, एक्चुअल एक्टिव लेवल से जब मैं मल्टीप्लाई, जैसे ये हमारे पास रेट क्या डिपार्टमेंट नहीं का रेट, रेट पर मशीन आवर है, जब रेट पर मशीन आवर मैं इसको एक्चुअल मशीन आवर से मल्टीप्लाई करूंगा कि एक्चुअल मशीन आवर्स कितने हमारे पास, तो देखें डिपार्टमेंट ए में कितने एक्चुअल मशीन आवर्स है, सो डिपार्टमेंट ए में एक्चुअल मशीन आवर्स ये दिए हैं मेरे पास 340, इसको मैं 340 इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 340 मिलियन के साथ, अभी मैं करता हूं 340,000 के साथ। इसी तरह डिपार्टमेंट बी का रेट क्या है हमारे पास 18 है, लेबर आवर्स है, इसको एक्चुअल लेबर आवर से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअल लेबर आवर देखेंगे क्या है इसके, ये एक्चुअल लेबर आवर है ये, दिस इज, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल लेबर आवर के साथ। ये डिपार्टमेंट सी, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल प्राइम कॉस्ट के साथ, तो प्राइम कॉस्ट क्या थी, वो मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट अभी हमने निकाली हुई थी यहाँ पे, तो एक्चुअल प्राइम कॉस्ट, तो एक्चुअल प्राइम कॉस्ट इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो प्राइम कॉस्ट कितनी थी इसकी, अब बनाई जा सकती है अभी फिर दोबारा बना लेते हैं, 120 मिलियन की मटेरियल है, लेबर कॉस्ट कितनी थी, तो ये 240 को 120 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 240,000 × 120 इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, तो दोनों को ऐड करेंगे प्राइम कॉस्ट आएगी उसका 5% ले लेंगे यहाँ पे हम, तो मेरे पास आ जाएंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अब बोर्ड पे कर देता हूं, ये आइडिया दे रहा हूं मैं अभी आपको, बोर्ड पे जाता हूं मैं अब, यहां तक पहले बात समझ आई कुछ मैंने बताई है कि ये जो ओ या रेट निकाले इसको मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, यानी डिपार्टमेंट ए का जो रेट निकला एक्चुअल मशीन आवर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिपार्टमेंट बी का जो रेट निकला एक्चुअल लेबर आवर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिपार्टमेंट सी का जो रेट निकला है वो एक्चुअल प्राइम कॉस्ट, यानी मटेरियल और लेबर दोनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट बनती है, तो एक्चुअल प्राइम कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएंगे एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, उन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स से माइनस करेंगे हम एक्चुअल ओवरहेड्स, वो सवाल में गिवन है, ये गिवन थे बेटा, ये तीनों को गिवन है, वो तीनों ये एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस कराएंगे, अगर पॉजिटिव आया तो ओवर एब्जॉर्ब, नेगेटिव आया तो अंडर एब्जॉर्ब, इस तरह से हमारे पास चलता जाएगा। तो मैं बोर्ड पे जाता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ आपको। हाँ जी बेटा, हाँ जी ले जी, इस पे जाता हूँ, ले जी हमारे पास फॉर्मूला क्या था, थोड़ा आइडिया दे दूंगा आपको। ओआर निकालना है आपने, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, यहां से आपने माइनस करना है एक्चुअल ओवरहेड्स आपकी कितने, तो यहां से आपने अपने एक्चुअल ओवरहेड्स माइनस कराने, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो ओवर एब्जॉर्ब, अगर आंसर नेगेटिव आया तो अंडर एब्जॉर्ब। चलता हूं आगे, तीन डिपार्टमेंट है मेरे पास, ए डिपार्टमेंट है बेटा, बी है और ये सी है, ये तीन डिपार्टमेंट आपके सामने। रेट क्या क्या निकाला था हमने अभी, अभी आपके सामने एक रेट निकाला था मैंने 12.5, डिपार्टमेंट ए का रेट था 12.5, डिपार्टमेंट बी का रेट क्या निकाला था, ये रेट पर मशीन आवर था, एक्चुअल मशीन आवर कितने 340 मिलियन थे, एक्चुअल मशीन आवर कितने 340 मिलियन ये हमारे पास आ रहे, ये दिस इज आप देख सकते हैं
डिपार्टमेंट ए एक्चुअल मशीन आवर 340 मिलियन, मैं अब लिख नहीं रहा इसके ऊपर क्योंकि वो पेन का इशू आता, ये 340 मिलियन थी, ये दिस इज एक्चुअल लेबर ऑफ 340 मिलियन थे, और डिपार्टमेंट बी के एक्चुअल मशीन आवर 340 मिलियन, डिपार्टमेंट बी के एक्चुअल लेबर आवर 530 मिलियन है। 340 और 530 को मैंने अब मल्टीप्लाई करा है यार, नहीं जी मैं वापस जाता हूँ उसके ऊपर, मल्टीप्लाई कराते हैं उसको, हाँ जी वापस गए इसके ऊपर हम, तो मल्टीप्लाई कराया, हाँ जी 340, अच्छा मिलियन में अगर मैंने करना है तो 340,000 की बजाय मैं इसको क्या करता हूँ 0.34 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, 0.34 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। इसी तरह डिपार्टमेंट बी है, डिपार्टमेंट बी का रेट क्या निकाला था हमने, 18 निकाला था, 18 को आप लेबर आवर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्चुअल लेबर आवर आप 530,000 लिखने की बजाय 0.53 लिख देते हैं इसको। चलो नहीं जी करें मल्टीप्लाई जल्दी, डिपार्टमेंट ए की आई वैल्यू बताया मुझे क्या आती, डिपार्टमेंट ए की कितने मिलियन आ रही, 4.25 आ रही आई थिंक, 4.25, और डिपार्टमेंट बी को मल्टीप्लाई करें इसका क्या निकल रहा है, 9.54 आ रहा होगा आई थिंक, यस फाइन एग्जैक्टली। डिपार्टमेंट सी का हम ले रहे हैं प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट का हमने लेना 5%, तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी, अगर मैंने यहां निकाली हुई अभी आपको दिखा देते हैं, प्राइम कॉस्ट डिपार्टमेंट सी की ले जी, ये डिपार्टमेंट सी है, ये आपके सामने यहां आप देखें बेटा, ये एक मटेरियल कॉस्ट डिपार्टमेंट, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, लेंगे ये एबीसी तीन डिपार्टमेंट थे, ये उसमें से मटेरियल कॉस्ट थी 120 और ये उसमें से लेबर कॉस्ट थी 28.8, ऐड किया 148.8, इनको ऐड कर ये बन गया मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, ओवरहेड्स इसमें नहीं आएगा, तो 148.8 ये आपके सामने बैठा, क्लियर होगी बात, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट हमने निकाली भी है 148.8, इसका 5% लेना अभी हमने, 148.8 का हमने 5% लेना है यहां पे, तो 148.8 into 5%, जिसका 5% लिया तो मेरे पास क्या आ रहा है 7.44, ये आ गया मेरे पास, ये अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स निकला है, यहां से माइनस कर लेते हैं हम एक्चुअल ओवरहेड्स, कि हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, लेकिन देखते हैं सवाल में कितने अब एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे पास, अब तीनों को दिए हैं डिपार्टमेंट ए के बी के सी के, तीनों को दिए हैं हमारे पास, डिपार्टमेंट ए के कितने हैं 5.35, 8.90, 7.45, तीनों के हमारे पास ये एक्चुअल ओवरहेड्स बी के बने, तो ये जाके वहां पे माइनस कर देते हैं ना, इसको वहां जाके माइनस करा देते हैं, कितनी कितनी है 5.35, नहीं जी 5.35 यहां से माइनस हो जाएगा, डिपार्टमेंट बी के कितने थे हमारे पास 8.9, हाँ जी 8.9, और डिपार्टमेंट सी के कितने थे हमारे पास 7.45, नहीं जी 7.45, नहीं जी माइनस करा लें अंडर ही ओवर एब्जॉर्ब खुद निकाल लें, ये फिगर है माइनस करें, डिफरेंस बताएं क्या आता है, किसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है खुद ही देख लें भैया, हरी अब आपको आइडिया हो जाएगा, यहां तक कोई इशू माइनस तो कर लेंगे आप, वैल्यू निकाल ही लेंगे आप, इज इट डन, यहां तक किसी को कोई मसला बेटा, इज इट क्लियर, सबको कौन सा क्लियर है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुझे मूव करना है, चले गुड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं जल्दी, हाँ जी अब आप क्या करें इस सवाल पे आ जाए यार, ये सवाल है जल्दी जरा देखें इसको, टाइम काम है मेरे पास, ये 3.8 सवाल है, इसको रीड करें बच्चों को कहना है मुझे हमें टाइम पहले जरूर दिया जाए, नहीं जी 2-4 मिनट नहीं जल्दी से इसको रीड आउट करें, होना तो ये चाहिए था आपको रीड आउट करना चाहिए था, आपने घर में आपको चाहिए था आपने पहले पढ़ा अच्छी तरह सवाल, ताकि जब मैं सॉल्व करवाऊं तो मैं जल्दी, जी सवाल थोड़ा सा लंबा है मैं इसको स्पीड चलाऊंगा, आपने साथ साथ कैलकुलेटर ऐड कर लें,
कैलकुलेटर हमने चलाना है इसके साथ साथ, कैलकुलेटर की बस गेम है इसमें और कुछ भी नहीं है, अपोर्शनमेंट करने बस हमने। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या रिक्वायरमेंट कहते हैं, डिटरमाइन द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट अल्फा बीटा एंड गामा बाय यूजिंग द सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन द डायरेक्ट लेबर आवर। यानी एक सिंगल डायरेक्ट लेबर आवर को बेस बनाते हुए तीनों डिपार्टमेंट्स का आपने क्या करना है, आपने तीनों डिपार्टमेंट्स के फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। तो बेस क्या बनानी है आपने, लेबर आवर्स। तो अभी मैं आपको बताता हूँ तीन प्रोडक्ट के अल्फा बीटा गामा यूनिट के यूनिट्स है, अल्फा बीटा गामा बेटा ये उनके यूनिट्स है। अल्फा के यूनिट्स कितने हैं 12,000 है, बीटा के कितने 20,000 है, गामा कितने 45,000। सिंपल इनके यूनिट्स है, यूनिट्स है ये इनके आवर्स है, इनको मल्टीप्लाई कर लें आप जल्दी जरा, इसको मल्टीप्लाई करें यहां ऐड कर लें टोटल आपके पास आवर्स आ जाएगी। पर क्वेश्चन गो थ्रू कर लें सब लोग, दो चार मिनट लगाए गो थ्रू कर लें सवाल, फिर मैं स्पीड पकड़ूंगा। हाँ जी सवाल में आता हूं, हाँ जी आवर्स मल्टीप्लाई करें जल्दी जरा, पहला बार तो मैं करूँ सॉल्व 120, ये 12,000 यूनिट अल्फा की है, बीटा की कितने बेटा 20,000, गामा कितने 45,000, ये तीनों यूनिट आप दिए बने, ये डन, ये इनके आवर्स हैं 20 है 5 है और 4 है, इससे मल्टीप्लाई करना था हमने आवर्स निकाल लें तो हमारे पास आवर्स आ जाएंगे। अगर मैं यहां पे बोर्ड यूज कर लू आवर्स, नई शीट पे जाता हूँ यार, हाँ जी आवर्स बताएं जल्दी से मुझे, ए अल्फा बीटा और गामा यूं कर लेते हैं चले, हमने कितने कितने आवर्स जीते हुए थे सवाल में, 12,000 थे 20 थे और 45,000 आई थिंक सो, 12,000 20,000 45,000 12,000 20,000 45,000 इनके आवर्स हैं और ये इनके यूनिट्स हैं और आवर्स कितने हैं 20, 5 और 4, ये इनके हमारे पास 20, 5 और 4 क्या है इनके यूनिट्स हैं, ये इनके आवर्स हैं। चलिए मल्टीप्लाई कराए इनको आपस में, अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितने ये हमारे पास यूनिट्स थे 12,000 20,000 45,000, दिस इज 45,000 डन, ये हमारे पास क्या आगे यूनिट्स आगे, अब यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना है आवर्स के साथ, आवर्स कितने हमारे पास 20, 5 और 4 करें मल्टीप्लाई बेटा जरा, कितने कितने आवाज आए मेरे पास, कितने कितने आवाज आ रहे हैं जल्दी जरा, 72,000 आई थिंक यहां आ जाएगा करें मल्टीप्लाई, 160,000 आपके पास, नहीं 72,000 किसका आएगा, 240,000 आएगा, यस 240,000 यहां आएगा यार, 240,000 बारह दो
वेट यस 240,000 मेरे पास यहां पे आ जाएगा बेटा, देन ये सिंपल 100,000 आ जाएगा, देन इसको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास सिंपल सिंपल 180,000 आ जाएगा, देन ऐड कर लें यार सबको कितने बनते हैं ये टोटल कितना बनता है, ये टोटल बन लो तो 520,000 बन जाएगा आई थिंक सो यस। हमारे पास यूनिट्स नहीं बेटा आवर्स, आवर्स आवर्स को ऐड कर लें 520,000 आवर्स आ जाएगा। अब ओवरहेड की टोटल कॉस्ट कितनी थी, ओवरहेड की कॉस्ट आपने लेनी है सिंपल डिवाइड करके रेट निकालेना, यानी अगर मैं सवाल पे जाता हूँ ओवरहेड कितने हैं यार मेरे पास, इस सवाल को देखते हैं यार, यस नहीं जी ओवरहेड सारे ऐड करें जल्दी जरा, ऐड कैसे करने वाला आपने, आपने डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर इस पर नहीं आती, इनडायरेक्ट से शुरू करना आपने, यहां से आपने शुरू करना ये सब आपने ऐड कर देना, क्या वैल्यू आती है बताया जरा, 600 प्लस 360 प्लस 468 प्लस 400 प्लस 2800 प्लस 1560 प्लस 240 प्लस 60 प्लस 1800 प्लस 1200 सबको ऐड कर, ये सारी वैल्यू ऐड करें जल्दी जरा, यूज द कैलकुलेटर जल्दी, हरी अप हरी अप, सारी ओवरहेड्स ओवरहेड लेना हमने, डायरेक्ट कॉस्ट ये प्राइम कॉस्ट होती है ना ये तो लेनी नहीं हमने, इनडायरेक्ट कॉस्ट इतनी भी जी 9488,000 डन, 9488 सिंपल आपने क्या करना है, अब सिंपल आपने क्या करना है, अब 9488,000 की कॉस्ट है तो अब आपने ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करवा देना, कैसे अब्सॉर्ब करवाएंगे आप देखेंगे 9488,000 ये टोटल कॉस्ट है, टोटल बेस कितनी है हमारे पास 520,000 से डिवाइड कर दें और 240,000 से मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरह से 9488,000 की कॉस्ट है 520,000 से डिवाइड कर दें और 100,000 से मल्टीप्लाई कर दें, 9488,000 की कॉस्ट है टोटल 520,000 से डिवाइड कर दें और हर एक 180,000 से मल्टीप्लाई करने आ रहा है, मैंने 1000 ही तो ले ली है, चले करें था इसका सॉल्व, इसको क्या बनता है ओवरहेड्स निकाले तीनों के कितने ओवरहेड्स बनते हैं जल्दी मुझे बताएं जरा, यानी टोटल ओवरहेड्स को टोटल हमने आवर से डिवाइड करके हर एक अपने रिस्पेक्टिव आवर से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारे पास डिपार्टमेंट ए के कितने आएंगे जल्दी जरा डिवाइड किए क्या आंसर आया 4379 जल्दी बेटा पहले डिपार्टमेंट ए का क्या आया 43790 यस 43 वेट वेट 4379077 यस 79077 डिपार्टमेंट बी बेटा कितना डिपार्टमेंट बी जल्दी 1824 हरी अब हरी अब हरी यूज़ अ कैलकुलेटर कैलकुलेटर चलाएं स्पीड लगाएं कैलकुलेटर चलाना आपने बस अब 9488,000 डिवाइड बाय 520 मल्टीप्लाई 180 सिंपल कैलकुलेटर चलाएं स्पीड पे जरा थ्री टू एट फोर ये बन रहा है 308 लेंगे ये सब में ओवरहेड डिवाइड हो गए ओवरहेड डिवाइड होंगे ये जो पहले डिपार्टमेंट के ओवरहेड रहे ये कितने यूनिट्स डिपार्टमेंट ए में डिपार्टमेंट ए में मेरे पास 12,000 यूनिट थे इसको 12,000 से डिवाइड कर देना डिपार्टमेंट बी में मेरे पास कितने यूनिट्स थे तो डिपार्टमेंट बी में मेरे पास 20,000 यूनिट थे इसको 20,000 से डिवाइड कर देना आपने डिपार्टमेंट सी के कितने यूनिट थे 45,000 यूनिट्स इसको 45,000 से आपने डिवाइड कर देना हाँ जी तो मान पूछा सिर्फ ये 520 इज इक्वल टू 450 क्या 450 बेटा समझा नहीं बात 450 किधर आ गई 450 तो है ही नहीं कहीं सुबह बेटा 520 मतलब 520,000
हाँ तो एक ही बात होगी ना, यहां मैंने 1000 नहीं लिखा, यहां पे तो यहां भी नहीं लिखा, वो कैंसिल हो जाता ना यहां से। यहां मैंने 1000 नहीं लिखा तो यहां भी नहीं लिखा, वो कैंसिल हो जाता। यहां नहीं लिखा तो यहां भी नहीं लिखा, वो कैंसिल हो जाता। तो एक जल्दी से मैंने वाइट बोर्ड पर यूज करने की कोशिश की। हाँ जी, हर एक डिपार्टमेंट को ओवरहेड निकाल लिए, उसको आपस से हमने उनकी यूनिट से डिवाइड किया। हमने ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालनी थी, तो डिपार्टमेंट ए के अपने ओवरहेड की कॉस्ट निकाल ली, बी की निकाल ली, सी की निकाल ली। अब क्यों यूनिट से मैंने डिवाइड करा हूं, आप करें डिवाइड क्या है, 364.92। यस 364.92 ए में आ गया, बिल्कुल ये ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट। बी में जल्दी डिवाइड करें यार, अब ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। कोई मसला बेटा इसमें सिंपल मैंने क्या किया, मैं रिपीट कर दूंगा बात, सिंपल मैंने किया क्या, सिंपल मैंने तीनों डिपार्टमेंट ए अल्फा बीटा गैपा तीनों डिपार्टमेंट के यूनिट्स लिखे। ये प्रोडक्शन की यूनिट्स इनके, ये इनके प्रोडक्शन की यूनिट्स है, ये उनके आवर्स आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई करके टोटल आवर्स निकाल लो। ये मेरे पास टोटल आवर्स निकला है, टोटल ओवरहेड मैंने कॉस्ट ली वहां पे कितनी, टोटल ओवरहेड की कॉस्ट को मैंने टोटल आवर्स से डिवाइड करके हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने आवर्स से मल्टीप्लाई किया। जब आप हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने आवर्स से मैंने मल्टीप्लाई किया तो हर एक डिपार्टमेंट की मेरे पास ओवरहेड की कॉस्ट आ गई। ये डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स हैं, ये डिपार्टमेंट बी के ओवरहेड्स हैं, ये सी के ओवरहेड्स हैं, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने ओवरहेड्स आ गए। अब मैं ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो डिपार्टमेंट ए में कितने यूनिट से 12000 मैंने डिवाइड कर दिया, बी में कितने यूनिट से 20000 मैंने डिवाइड कर दिया। तो ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट करके मैंने निकाल ली कि डिपार्टमेंट ए की कितनी निकली, बी की कितनी निकली, सी की निकली। इज इट क्लियर, सबको ये बात समझ आ गई बेटा, कोई सवाल यहां तक, कोई क्वेश्चन बेटा, इज इट डन, डन। सी पे आगे मूव करता हूं मैं, नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या है, रीकैलकुलेट द फैक्टर ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच डिपार्टमेंट बाय एलोकेटिंग इंडिविजुअल एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिलेटेड फैसिलिटीज। हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने ओवरहेड्स निकाल रहे हैं यार, सिंपल आपने क्या करना है यार, मैंने आपको अपोर्शन पढ़ाया था, अपोर्शन करना है यार सिंपल, आपने कुछ भी नहीं और करना। यानी मैं आपको आइडिया देता हूं, चले मैं आपको आइडिया देता हूं पहले, एक चले मैं इस पे जाता हूं। जैसे मेरे पास पहली जो कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है, ये मशीन की मेंटेनेंस है, ये मशीन मेंटेनेंस कितनी 6 लाख की है, 6 लाख को मैं कैसे डिवाइड करूंगा, मशीन आवर्स की बेस पर। मशीन आवर्स कितने मेरे पास, ये प्रोडक्ट ए है, ये बी है, ये सी है, 12000 है, आवर्स पर ये दिए हैं 6 है, 8 है, 10 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, मशीन के टोटल आवर्स निकलाएंगे हमारे पास कि अल्फा के मशीन आवर्स कितने, बीटा के कितने और गैमा के कितने, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मशीन आवर्स निकलाएंगे हमारे पास। चलें तो हम मशीन आवर्स जब टोटल निकाल लेंगे तो टोटल 6 लाख की कॉस्ट को मैं टोटल मशीन आवर्स से डिवाइड करूंगा, हर एक के अपने अपने डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, इस तरह से कॉस्ट हमारे पास अपोर्शन हो जाएगी। चल मैं आपको क्या करता हूं, कॉस्ट निकाल के दिखाता हूं किसकी, चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। चलो एक मिनट मैं निकाल के आपको दिखा देता हूं, हाँ जी किसकी, चलो मशीन आवर्स इसी पहले क्यों कर देता हूं, चले हाँ जी क्या दिया हुआ हमारे पास, मशीन की आवर्स निकाले जल्दी जरा, प्रोडक्ट ए है, ये पहले हमने जैसे लेबर की आवर्स निकाले थे बेटा, ऐसे ही आपने मशीन की आवर्स निकालने, आपको प्रोडक्ट ए है, अल्फा है, बीटा है, गैमा है, तीनों के हमारे पास प्रोडक्शन की यूनिट्स गिवन है, उनके मशीन की आवर्स भी गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपको, इनको मल्टीप्लाई करके आपने टोटल आवर्स निकालने हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करें उनके आवर्स निकालें, यहां कर देता हूं मैं, एक मिनट यार इसको डालो जरा, चलिए मैं इसको उड़ा देता हूं, कोई नई शीट ला दे, नई शीट यूज कर लेते चले। हाँ जी क्या कहा जा रहा है, कितनी प्रोडक्ट है हमारे पास, अल्फा है बेटा, बीटा है और गैमा है, चलिए तीन प्रोडक्ट है, कितने कितने यूनिट्स, अभी आपने देखे थे यूनिट्स कितने थे, 12, 20, 45 चल रहे,
तो 12,000 इसके यूनिट्स हैं, 20,000 इसके यूनिट्स हैं और 45,000 इसके यूनिट्स हैं। मशीन की आवेश कितने कितने के होने, अभी जल्दी से देख लेता हूं। मशीन की आवेश बेटा 6 हैं, 8 हैं और 10 हैं। 6, 8, 10 को मल्टीप्लाई कराना आपने, 6, 8, 10 करें मल्टीप्लाई करा, कितने कितने बनते हैं, 72,000 है, 160,000 है और ये कितना बन जाएगा यार, 450,000 बन जाएगा। ऐड कर लें टोटल मशीन आवर्स कितने निकले, जल्दी जरा बेटा टोटल मशीन आवर्स तीनों को ऐड करें, 682,000 आई थिंक आता है, 682,000 यस। अब हम सवाल में क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमने कॉस्ट को डिवाइड करना है, कैसे डिवाइड करेंगे, यहां आप लिख लें आप हेडिंग्स, यहां आप लिख लें बेशक आप हेडिंग्स, यहां उसके लिख लें आप बेसिस, यहां लिख दें आप टोटल, यहां अल्फा, बीटा और ये गैमा, ये तीन डिपार्टमेंट है। टोटल कॉस्ट हेडिंग क्या थी मेरे पास, सवाल पे जाता हूं मैं, क्या है मेंटेनेंस कॉस्ट है कितनी, 6,00,000 है मेंटेनेंस कॉस्ट, 6,00,000 जैनी, यहां लिखूंगा मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ जी कॉस्ट कितनी है, 6,00,000 है। कैसे डिवाइड करना है, मेंटेनेंस मशीन आवर्स की बेस पे, मेंटेनेंस की जितनी भी कॉस्ट है उसको मशीन आवर्स की बेस पे हमने डिवाइड कर देना है। तो मशीन आवर्स हमने निकाली ऊपर, ये ऊपर निकाले हैं 682,000, तो लें कर लें जरा, ये 6,00,000 को आपने क्या करना है, ये 6,00,000 को आपने 682,000 से डिवाइड करना है और डिपार्टमेंट ने 72 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे फिर आपने 6,00,000 को 682,000 से आपने डिवाइड करना है और 160,000 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। करें ना जल्दी निकालें कॉस्ट, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट कितनी है, 6,00,000 टोटल कॉस्ट है, 682,000 से आपने डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है इसको 72,000 से, क्या कॉस्ट आती, जल्दी बेटा जल्दी, हरिये फरिये सब लोग बोला कि यूज द कैलकुलेटर, वॉइस डिस्टोर्शन सर, वॉइस डिस्टोर्शन, हाँ बेटा अब आवाज मेरी साफ आ रही है आपको, इज इट क्लियर, क्या आप सब लोगों को अब मेरी आवाज आ रही है, चलिए अब बेटा देखिए ना, हाँ जी बेटा 6,00,000 की टोटल कॉस्ट है हमारे पास, मेंटेनेंस की कॉस्ट है मशीन मेंटेनेंस, टोटल कॉस्ट 6,00,000 है, टोटल आवर्स हमारे पास 682,000 आवर्स दिए हैं, तो टोटल कॉस्ट को टोटल आवर्स 682,000 से डिवाइड करें, हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने जो आवर्स है उससे मल्टीप्लाई करें, बताएं मुझे क्या अल्फा की क्या कॉस्ट आती है, अल्फा की कॉस्ट कितनी आ रही बेटा, हां जी 6,3,3,4,3 डन, 6,3,3,4,3 आगे बेटा, देन दूसरे की दूसरी वर्किंग करें, यूज द कैलकुलेटर्स, 140763 आगे डन डन हो गया, आगे गैमा की निकालें जल्दी जल्दी जल्दी, यूज द कैलकुलेटर, टोटल कॉस्ट पुट करें, टोटल बेस से डिवाइड करें, करें जरा मल्टीप्लाई करें, वैसे भी 6,00,000 में से बाकी कितना बन गया, 395,894 डन। हाँ बेटा मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है देखे ना सवाल में, हमने उसी तरह मेंटेनेंस की कॉस्ट को मेंटेनेंस मशीन आवर्स से डिवाइड किया है, यानी हमने बेस के बनाई है मशीन आवर्स, तो तीनों डिपार्टमेंट्स के मैंने मशीन आवर्स निकाल लिए थे बेटा, यानी मेरे पास इस सवाल के अंदर मैंने क्या किया था, सबसे पहले तीनों डिपार्टमेंट्स की यूनिट्स लिखे यहाँ पे, अल्फा है बीटा है गैमा, तीन प्रोडक्ट्स है मेरे पास, मैंने अल्फा के प्रोडक्ट्स कितने बने, 12,000 यूनिट्स है, बीटा के 20,000 यूनिट्स है,
गैमा के 45 आई ने यूनिट्स लिखे मैंने, इसको मशीन आवर्स आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई कराया तो टोटल मशीन आवर्स अल्फा के कितने निकले 72 है, मशीन आवर्स बीटा के 150 है, मशीन आवर्स गैमा के 457, ये मशीन आवर्स तीनों को ऐड किया टोटल मशीन आवर्स आ गए। तो ये टोटल मशीन आवर्स मेरे पास आ गए, टोटल मशीन आवर्स। अब टोटल कॉस्ट कितनी थी मेरे पास मेंटेनेंस कॉस्ट, ये सवाल में दी हुई थी हमें यहाँ पे, वो बताया हुआ था कि 6 लाख की कॉस्ट थी। दिस इज यू कैन सी हमारे पास कॉस्ट कितनी थी, ये 6 लाख की हमारे पास मेंटेनेंस की कॉस्ट थी। इसकी बेस क्या मैंने बनाई है, मशीन आवर्स, मशीन आवर्स मैंने निकाल ली है। तो मशीन आवर्स मैंने बेस बना के तो ये कॉस्ट निकाल ली जनाब, तो मैंने अब मशीन आवर्स को बेस बना के मैंने कॉस्ट निकाल ली है। हाँ जी, मशीन आवर्स को बेस बना के मैंने कॉस्ट निकाल ली बेटा, अल्फा बीटा गामा तीन प्रोडक्ट्स हैं, तीनों के यूनिट्स लिखे मैंने, तीनों के मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई किया मैंने, टोटल मशीन आवर्स अल्फा के निकाले, बीटा के निकाले, गामा के निकाले, तीनों को ऐड किया तो तीनों के मशीन आवर्स आ गए मेरे पास 682,000 की बेटा। तो टोटल कॉस्ट मैंने ली, टोटल कॉस्ट कितनी 6 लाख की कॉस्ट है, टोटल मशीन आवर्स से डिवाइड करके हर एक अपने मशीन आवर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो कॉस्ट मेरे पास कुछ इस तरह से आ रही है। डिस्टॉर्शन हो रही है आई थिंक, सो कुछ बच्चे कहने आवाज नहीं आ रही यार। हाँ अली बेटा, देखें जो अभी तक मैंने करवाया इसको देखें जरा। हाँ बेटा इसको देखें, मुझे बताएं क्या बात समझ नहीं आई। हाँ जी, आवाज आप क्लियर है मेरी बेटा? स्क्रीन नजर आ रही सबको? हाँ जी बेटा, आवाज आ रही सबको? ठीक है, इस सवाल अभी तक जो मैंने किया है इसको देखें यार जरा। मेंटेनेंस की कॉस्ट को मैंने, मेंटेनेंस की कॉस्ट को मैंने डिवाइड किया है, अपोर्शन किया ऑन द बेस ऑफ मशीन आवर्स। अल्फा बीटा गामा तीन डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों के मैंने बेटा नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे, प्रोडक्शन के यूनिट्स कितने हैं, इनके मशीन आवर्स पर यूनिट कितने, मशीन आवर्स पर यूनिट यहां पुट किए, मल्टीप्लाई किया तो तीनों डिपार्टमेंट्स के अल्फा के मेरे पास 72,000 आवर्स आ गए, बीटा के मेरे पास 160,000 आवर्स आ गए, गामा के मेरे पास 450,000 आवर्स आ गए, तीनों को ऐड किया टोटल आवर्स 682,000 के आवर्स आ गए। तो टोटल आवर्स आ गए, टोटल कॉस्ट कितनी हमारे पास, मेंटेनेंस की कॉस्ट 6 लाख, 6 लाख की टोटल कॉस्ट को टोटल मेंटेनेंस आवर्स से डिवाइड किया, हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने मेंटेनेंस आवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो कॉस्ट मैंने डिवाइड कर लिया, अल्फा की बीटा की गामा की तीनों की कॉस्ट मैंने क्या कर ली यहाँ पे, डिवाइड कर ली। यहां तक कोई इशू भी? आई थिंक आज के लिए काफी, मेरा ख्याल थक गए यार आप लोग लग रहे हैं। अब आगे करना क्या हमने जरा, हमने जैसे मैंने ये से बेटा मेंटेनेंस की कॉस्ट को डिवाइड किया ऐसे बाकी सब की कॉस्ट को हमने डिवाइड कर, तो आप सब लोगों ने घर में ट्राई करना है एक दफा, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया देता हूँ, आप सब लोगों ने ट्राई करना है इस पूरे सवाल को सॉल्व करना है कंप्लीट। जैसे मैंने मशीन मेंटेनेंस की कॉस्ट को मशीन आवर से डिवाइड किया, ऐसे आपने स्टोर की जो कॉस्ट है 3,60,000, आपने इसको स्टोर कंजम्पशन नीचे दी हुई उसकी बेस पे डिवाइड करना है,
क्वालिटी कंट्रोल की जितनी भी कॉस्ट है, अब क्वालिटी कंट्रोल के आवर्स दिए हुए, क्वालिटी कंट्रोल यूनिट्स भी दिए हुए नीचे आपको, कि इंस्पेक्शन यूनिट्स दिए हुए और इंस्पेक्शन के आवर्स भी दिए हुए, तो मल्टीप्लाई करके आप इंस्पेक्शन आवर्स निकाल लेने, तो इंस्पेक्शन आवर्स की बेस पे आप इसको डिवाइड करेंगे। क्लीनिंग हमने बात की थी, फैक्ट्री की जितनी भी क्लीनिंग होती है ये फ्लोर एरिया की बेस पे होगी, फ्यूल एंड पावर फ्लोर एरिया की बेस पे होगी, डेप्रिसिएशन ऑफ द प्लांट मशीनरी ये मशीनरी की कॉस्ट की बेस पे पोर्शन होगा, इंश्योरेंस ऑफ द प्लांट मशीनरी मशीनरी की कॉस्ट पे, इंश्योरेंस ऑन द बिल्डिंग, बिल्डिंग की इंश्योरेंस जो होती है बिल्डिंग की जितनी भी कॉस्ट, फैक्ट्री बिल्डिंग की कोई भी कॉस्ट फ्लोर एरिया की बेस पे होगी, स्टोर स्पेस सप्लाईज ये नीचे बताया होगा इसकी कोई ना की बेस, स्टोर की एक्चुअल बेस क्या है, रेंट रेट्स टैक्सेस ये भी हमारे पास फ्लोर एरिया की बेस पे होगा। तो आपने करना क्या है, ऑल ऑफ यू शुड ट्राई, आप सब लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कैसे कैसे हमने इसको पोर्शन करना है, पोर्शन वही है टोटल कॉस्ट ये गिवन है हर डिपार्टमेंट की, आप नीचे टोटल बेस भी गिवन होगी, डिवाइड करके हर एक अपने रिस्पेक्टिव बेस से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट हमने अपोर्शन करना है। जैसे डन बेटा, तो आज के लिए फिर काफी है, आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, देन केस एनी इश्यू तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ये पूरा सवाल आपने सॉल्व करना है, इसके अलावा जो मैंने और आपको क्वेश्चन बैंक में जितने भी सवाल हैं शुरू वाले सारे आपने ट्राई कर लेने, छोटे छोटे सवाल होंगे सब ट्राई कर लेने आप। सो इट इज डन, आई थिंक वी विल कंटिन्यू टुमारो बेटा, फॉर टुडे दिस इज सफिशिएंट, थैंक यू वेरी मच। Thank you. हाँ जी बेटा, मैं मैनेजमेंट को बता दूंगा, डिस्ट्रॉक्शन को बता दूंगा। ये तो थोड़ी डिस्टॉर्शन होती है, बच्चे बोलते हैं उसमें। जी सर, अगली क्लास है, नेक्स्ट।